रायपुर छत्तीसगढ़ सरस्वती नगर पुलिस ने आरोग्य इंडिया मल्टी स्टेट चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर विकास विजय वर्गी को 55 लाख की ठगी करने के मामले में उज्जैन से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी का नाम विकास विजय वर्गी है। आरोपी आरोग्य इंडिया मल्टी स्टेट चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई लोगों से 55 लाख रुपए तक का निवेश करवाकर ठगी किया है। सन 2016 में निवेशक हरिकेश साहू ने सरस्वती नगर थाना में शिकायत की। इसमें जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में शामिल दो आरोपी मनवीर सिंह चौहान और अभिषेक सिंह चौहान की तलाश जारी है। बताया जाता है कि आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के अलावा 3 अन्य राज्यों में भी इसी तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। एक आरोग्य इंडिया मल्टी करके नाम से एक चिटफंड कंपनी थी, जो कि रायपुर और आसपास में तकरीबन कई निवेशकों से 55 लाख करीब इन लोगों ने वसूल करके यहां से फरार हो गए थे। इसकी रिपोर्ट थाना सरस्वती नगर में सन 2016 में की गई थी और तब से इसके जो आरोपी फरार चल रहे थे। इसमें आज एक अहम उसमें कार्रवाई करते हुए उज्जैन से एक डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लाया गया है और उसका हम लोग एक दिन का पीआर भी ले रहे हैं और उनसे और भी हम लोग पूछताछ करेंगे कि इनके द्वारा मतलब यहाँ पे और किन किन जगहों में इनके द्वारा इस प्रकार की धोखाधड़ी की है करके। और इसमें अभी भी दो आरोपी फरार हैं, जो कि उसमें मूलतः एक उत्तर प्रदेश के हैं और एक काला पीपल करके जगह है सुजालपुर साजापुर डिस्ट्रिक्ट में, उनकी भी अभी गिरफ्तारी से है। फिलहाल आज जो गिरफ्तारी की गई है विकास विजय वर्गीय, जो कि उज्जैन में एक आलीशान मकान बना के रह रहे थे और इसमें पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। और अभी हम इनसे और भी पूछताछ करेंगे कि इनका और भी किसी मामले में संलिप्तता तो नहीं है। फिलहाल ये बात सामने आई कि इनके द्वारा सिर्फ रायपुर के आसपास लोगों से तकरीबन 55 लाख की इनके द्वारा निवेश करा के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई थी इनके द्वारा 3 अलग अलग राज्यों में इस नाम से कंपनी खोल के निवेशक का काम कर रहे थे और हम संबंधित जो स्टेट है वहाँ से भी हम लोग पता करेंगे कि वहाँ पर भी इनके खिलाफ कोई अपराध तो पंजीबद्ध नहीं है।